हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो गाइस, आज आपकी एमपीटेट की ईवीएस की क्लास स्टार्ट हो गई है। तो गाइस, आज से आपकी ईवीएस की फर्स्ट क्लास है। ऐसे ही आपको सारे सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेगी मेरे चैनल पे। तो जो लोग नए हैं वो एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको मेरे चैनल पर मिल सके। तो गाइस, चलिए अब स्टार्ट करते हैं एमपीटेट की फर्स्ट क्लास, वो भी ईवीएस की। तो गाइस, आई होप आप सब लोग रेडी हैं। तो गाइस, टाइम कम बचा है और इस बार पेपर को अच्छी तरीके से करना है, यानी इस बार पेपर को उड़ा देना है। तो इसलिए आपको तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करनी होगी। तो गाइस, चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन ये है, ओजोन परत की अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुई थी। तो इसकी अधिकतम ह्रास पूछ रहा है, ये कहाँ पे हुई थी। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है भूमध्य रेखा, दूसरा उत्तरी ध्रुव और तीसरा दक्षिणी ध्रुव और चौथा इनमें से कोई नहीं। देखते हैं इसका क्या हो सकता है आंसर। अगर मैं बात करूँ आपके ओजोन लेयर की, तो ये हमारा क्या बोलते हैं पृथ्वी हो गया और ये हमारा सन हो गया। तो जो सन यानी सूरज से जो पराबैंगनी किरणें ये आ रही है वो हमारे पृथ्वी को काफ़ी हार्श करती है। तो जो पृथ्वी के ऊपर ये मोटी परत आपको दिख रही है, ये जो मोटी परत है उसे ओजोन परत कहते हैं। ये ओजोन परत हमारे पराबैंगनी किरणों से हमारे पृथ्वी की रक्षा करती है। अगर ये ओजोन परत ना हो तो ये पराबैंगनी किरणें हमारे पृथ्वी पर आ जाएगी और हमारे स्किन में ये स्किन कैंसर करके चली जाएगी। तो इसे रोकने का काम ओजोन परत करती है। अब इससे बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि ओजोन परत जो है उसकी मोटाई को मापने का यूनिट यानी यंत्र को क्या कहते हैं। तो इसकी मोटाई मापने के यंत्र को डाब्शन कहते हैं। इसे आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखना और ये हर बार हर टेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे एक और क्वेश्चन ये भी बनता है जो कि उससे भी ज़्यादा बहुत 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ईवीएस में हमेशा पूछता है। तो क्वेश्चन ये है कि जो ओजोन पर दिवस है वो कब मनाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार ही पूछ लेता है। तो ये जो ओजोन दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है, इसे आप अच्छी तरीके से याद रखिए। तो गाइज, इस ओजोन परत या पराबैंगनी किरणें से एक और क्वेश्चन ये बनता है कि जो आपकी पराबैंगनी किरणें हैं उन पराबैंगनी किरणें में से कौन सी ऐसी पराबैंगनी किरणें हैं जो कि काफ़ी खतरनाक होती हैं। तो इसमें आप ये मान लीजिए यूवीसी जो पराबैंगनी किरणें हैं ये सबसे ख़तरनाक किरणें होती हैं, वो सबसे ज़्यादा हार्श करती है पृथ्वी। तो गाइस, पराबैंगनी किरणों से संबंधित जो जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी वो सभी मैं आपको बता दी हूँ। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अधिकतम हार्श कहाँ पर हुआ है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव में बहुत ज़्यादा हार्श हुई है ओजोन परत को लेकर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इसमें भारत के लोक नृत्य के बारे में पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3rd यानी असम। जो बिहू है वो असम का बहुत ही फेवरेट लोक नृत्य है। तो अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान की जो सबसे लोकप्रिय नृत्य है वो होती है घूमर। अब अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं तो तमिलनाडु का लोकप्रिय नृत्य है भरतनाट्यम। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश राज्य की लोक नृत्य जो है वो होती है कथक और रासलीला। तो गाइस, ये कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं जो मैंने आपको बताया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसमें आपको नहीं का पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। तो अब मैं बात करती हूँ ग्रीन हाउस गैस की। तो गाइस, अगर मैं ग्रीन हाउस गैस की बात करूँ तो ग्रीन हाउस गैस के अंदर क्या होता है। तो उसके अंदर बहुत सारी गैसें मौजूद होती हैं और जब ये बहुत सारी गैसें आपस में मिल जाती है तब इनका जो मिक्सचर बनता है, उस मिक्सचर की वजह से जो हमारी ये पृथ्वी है उसके पृथ्वी की सतह पे बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। तो ग्रीन हाउस गैस में, अब मैं बोलूँ तो ग्रीन हाउस गैस में CO2 गैस भी होता है और N2 भी होता है। ये N2O जो दिया है ये 2 नहीं होगा, ये 2 गलत है, ये सिर्फ N2 होगा। इसे मैं मिटा देती हूँ, N2 होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो N2 गैस भी होता है और इसके अलावा इसमें CH4 यानी मिथेन गैस भी होती है और मिथेन गैस के अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होती है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे AC या फ्रीज में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है
कि इसमें ग्रीन हाउस गैस में कौन सी गैस नहीं होती है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सी, ओ नहीं होती है। ग्रीन हाउस में जो भी महत्वपूर्ण गैस पाई जाती है वो मैंने आपको बता दिया है। अब इस ग्रीन हाउस गैस बढ़ने का क्या कारण है, तो अब हम ये जानते हैं कि ये जो ग्रीन हाउस में गैसें जो होती हैं वो बढ़ती है, तो इसका क्या कारण हो सकता है। तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल कारण उद्योग के कारण जो कंपनियां होती हैं उसमें जो धुएं निकलते हैं उससे हमारे ग्रीन हाउस गैस बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और दूसरा कारण है वनों की कटाई, वनों के कटाई के कारण भी हमारी जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो बढ़ती चली जा रही है। इसके अलावा अगर बात करूँ मैं तो वो हो जाता है वाहन, जो आप वाहन यूज़ करते हैं उसमें से जो धुआं निकलता है उससे भी ग्रीन हाउस गैस काफ़ी बढ़ता है। और चौथा कारण है नगरीकरण, जो नगरीकरण हो रहे हैं, गाँव की अपेक्षा नगर में लोग जाके बसते जा रहे हैं, उससे भी ग्रीन हाउस गैस काफ़ी बढ़ रही है। तो अगर एग्ज़ाम में आपसे ग्रीन हाउस के कारण पूछें तो आप ये सारे कारण उसमें बता सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। तो गाइस ग्रीन हाउस के बारे में मैं आपको सारी इम्पोर्टेंट जानकारी दे दी हूँ और इसके कारण भी बता दी हूँ, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था। इसमें भारतीय उपग्रह के बारे में पूछ रहा है, तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला आर्यभट्ट, दूसरा भास्कर, तीसरा इंसेंट A1 और चौथा है रोहिणी। तो समझते हैं कि क्या हो सकता है इसका आंसर। अगर मैं बात करूँ आपके पहले भारतीय उपग्रह का तो वो था आर्यभट्ट, और ये कब लॉन्च हुआ था, तो ये 1975 में लॉन्च हुआ था। बात करूँ सेकेंड में कौन लॉन्च हुए थे, तो सेकेंड में भास्कर लॉन्च हुए थे और उसके बाद रोहिणी लॉन्च हुए थे। ऐसे ही बहुत सारे उपग्रह थे जो लॉन्च हुए थे। इसके अलावा इंसेंट ए भी जो था वो भी लॉन्च हुआ था। तो ये कब लॉन्च हुए था, तो ये तब हुआ था जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, यानी 1983 में लॉन्च हुआ था। गाइस जितने भी महत्वपूर्ण उपग्रह थे उसके बारे में मैं आपको बता दी हूँ, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। इसमें मुख्य कारक पूछ रहा है अम्लीय वर्षा का, तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। SO2, सेकेंड ऑप्शन है CO2, थर्ड ऑप्शन है HCl और फोर्थ ऑप्शन है NO2। तो देखते हैं, समझते हैं क्या हो सकता है इसका आंसर। कभी कभी तो एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ताजमहल है हमारा, जो हमारा ताजमहल है उसके पीले पड़ने का क्या कारण हो सकता है, यानी ताजमहल के जो संगमरमर के पत्थर हैं वो पीले क्यों पड़ते जा रहे हैं, तो ये किसकी वजह से पीली पड़ती जा रही है। तो ये हमारे एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा के कारण पीली पड़ती जा रही है, तो इसका मुख्य कारक आपको बताना है। तो इसमें SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड ये होगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण कारक है। और सेकंड ऑप्शन है CO2, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये नहीं होता है। और HCl जो है ये भी थर्ड ऑप्शन, ये भी नहीं होगा। तो चौथा कौन सा बचा, NO2, ये होगा, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये भी होगा। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि इस क्वेश्चन के अंदर दो ऑप्शन हैं जो कि सही है, SO2 और NO2। तो अगर हमें एकदम सही आंसर और सटीक आंसर चुनना हो तो हमें SO2 ही चुनना होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा SO2। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो गाइज बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है। इसमें हमसे पूछ रहा है झीलों का शहर कौन सा कहलाता है। तो अगर मैं इसके ऑप्शन की बात करूँ तो पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा है उज्जैन, तीसरा है इंदौर और चौथा है ग्वालियर। तो अब इसे समझते हैं कि हमें झीलों का शहर पूछ रहा है, तो झीलों का शहर किसे कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन की बात करूँ तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भोपाल, क्योंकि भोपाल को ही झीलों का शहर कहा जाता है। अब इसके तीनों ऑप्शन जो है उज्जैन, इंदौर और ग्वालियर, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। अगर मैं सेकेंड ऑप्शन की बात करूँ उज्जैन, तो उज्जैन को महाकाल की नगरी कहा जाता है। अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करूँ यानी इंदौर की, तो इंदौर को मुंबई की नगरी कहा जाता है। और अब मैं फोर्थ ऑप्शन की बात करूँ यानी ग्वालियर की, तो ग्वालियर को तानशेन की नगरी कहा जाता है। तो गाइज जो जो राज्य थे उसके उपनाम मैं आपको बता दी हूँ, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, प्राथमिक स्तर पर EVS की पढ़ाई का प्रमुख उद्देश्य क्या है। इसमें
ईवीएस की पढ़ाई यानी प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल के बच्चों की बात हो रही है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये पैडागोजी से जुड़ा हुआ है क्वेश्चन। तो गाइस पैडागोजी की कोई बुक नहीं आती है, पर हाँ जितनी पैडागोजी मैं आपको करवा रही हूँ उतनी ही आप कर लोगे तो वही आपके लिए सफिशियंट है, इससे बाहर आपकी कुछ भी नहीं आएगी। तो क्वेश्चन जो है वो प्राइमरी लेवल का है, प्राइमरी बच्चों के लिए है। तो अगर इसका मैं फर्स्ट ऑप्शन पढ़ूँ तो वो ये है, विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। तो अब जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं उसे आप तो गहन तरीके से समझा के तो आप उसे पढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे ना तो आप उसे एक दिन में होशियार बना सकते हैं ना ही उसे अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। उन्हें थोड़ा थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा ही करके आपको समझाना पड़ेगा। छोटे बच्चों को एक दिन में कुछ भी सिखाना या उसे निपुणता करना वो मूर्खता का काम है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो गलत है। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। तो सेकंड ऑप्शन है अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ये तो प्रमोटेड करने की बात हो गई, आप छोटे बच्चे को डायरेक्ट प्रमोट नहीं कर सकते क्योंकि छोटे बच्चे को भी समझने में काफ़ी टाइम लगती है। तो ये सेकंड ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करता है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है और आपका पॉजिटिव टैग वर्ड भी है। तो ये क्या है, अगर जो छोटे बच्चे हैं उसे हम बाहरी जीवन से जोड़ेंगे, बाहरी कार्य से जोड़ेंगे, अपने रोज़मर्रा के जीवन से जोड़ेंगे तो बच्चा उस चीज़ों को काफ़ी जल्दी सीख पाएगा। तो ये आपका इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये फोर्थ ऑप्शन है स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध किया कलापों को करने के कौशल अर्जित करना, ये बिल्कुल गलत आंसर है। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। तो आई होप गाइस कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो पैडागोजी में बस यही होता है कि हम शब्दों को अच्छे से समझ पाए। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गई होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है। अब इसमें हमसे पूछ रहा है जो भूकंप आती है उसकी तीव्रता को हम किस यंत्र से माप सकते हैं। तो भूकंप की तीव्रता को हम सिस्मोग्राफ से माप सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, सिस्मोग्राफ। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन ये है पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। इसमें जल का अधिग्रहण पूछा जा रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने अगर पहले पढ़ा भी होगा कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है। उसमें जब आपने पढ़ा होगा कि जो पौधों में जल का अधिग्रहण है वो कौन करता है, वो किसके द्वारा किया जाता है। तो गाइज वो जो अधिग्रहण है वो आपका जाइलम के द्वारा होता है। तो अगर इस क्वेश्चन का अगर सही आंसर कुछ होगा तो वो है जाइलम, यानी पौधों में जल का अधिग्रहण जाइलम के द्वारा ही किया जाता है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है। तो हमसे इसमें पूछ रहा है सबसे निचली परत, तो इसका चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन है पहला समताप मंडल, दूसरा ओजोन मंडल, तीसरा आयन मंडल, चौथा क्षोभ मंडल। तो हमसे सबसे निचली परत पूछ रहा है, तो चलिए कुछ वायुमंडल के बारे में थोड़ी बहुत समझ लेते हैं। तो गाइज ये जो वायुमंडल है इसके अंदर कितनी परत होती है हमें पहले ये जानना होगा कि इसके अंदर पहले कितनी परत होती है, तभी हम इसके निचली परत के बारे में जान सकते हैं। तो वायुमंडल के अंदर 5 परत होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने कभी पढ़ा भी होगा या फिर नहीं पढ़े हैं तो मैं आज आपको बता देती हूँ। तो गाइज ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, इसके अंदर हमारी जो क्या होती है 5 लेयर होती है, 1, 2, 3, 4, 5। ये पांचों लेयर है जो, तो नीचे वाली लेयर की तरफ से ये लेयर बढ़ती है, कैसे बढ़ती चली जाती है ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाती है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो सबसे निचली वाली जो परत होती है, सबसे निचली वाली परत होती है उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। ये हमारी जो क्षोभ मंडल होती है वो हमारी मौसम से संबंधित होती है। इसमें मौसम से संबंधित जो भी घटनाएं होती है वो आपकी क्षोभ मंडल के अंदर होती है। जब हम क्षोभ मंडल से ऊपर की तरफ जाएंगे यानी सेकेंड वाले नंबर पे होती है समताप मंडल, इसके अंदर हमारे आते हैं हवाई जहाज़। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ज़्यादातर एग्ज़ाम में ये पूछी जाती है कि हवाई जहाज़ जो उड़ते हैं वो किस परत के अंदर उड़ते हैं, तो वो समताप के अंदर उड़ते हैं। अगर क्षोभ मंडल से उड़ाएंगे तो वो
प्लेन जो है वो क्रैश हो जाएगा, इसलिए हमें सम ताप के अंदर प्लेन को उड़ाया जाता है। और अब हमारा थर्ड होगा मध्यमंडल। तो मध्यमंडल के अंदर उल्का पिंड आते हैं, जो कि मध्यमंडल के संपर्क में आते ही ये जो उल्का पिंड होते हैं वो जल जाते हैं। अब फोर्थ जो आता है वो होता है बाह्यमंडल। बाह्यमंडल में इसके अंदर आपको सिंपली याद रखना है कि इसमें रेडियो कम्युनिकेशन होता है, या सैटेलाइट भी आपको इसी लेयर के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ फिफ्थ की, तो फिफ्थ होती है बाह्यमंडल होगी, बाह्यमंडल जो आपकी ये ऊपरी परत कही जाती है। तो आई होप वायुमंडल में जो भी पांच परत थे वो मैं आपको बता दी हूँ, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं? उपकरण और तकनीकें पूछ रहे हैं, तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला परियोजना कार्य, दूसरा क्षेत्र भ्रमण, तीसरा जनरल लिखना, और चौथा विचार मानचित्र। तो ये जो तीसरा है जनरल लिखना, ये शायद आपने पहली बार सुना होगा कि जनरल लिखना आखिर होता क्या है। हो सकता है आपने नहीं सुना हो, या इनमें से आप में से कोई बच्चे हो जो सुने हो। तो गाइज मैं ये बता दूं कि जो जनरल लिखना होता है वो क्या होता है, एक डायरी होती है, उसी जैसे होती है। जैसे हम डायरी में अपना रोज़मर्रे ज़िंदगी का जो लेखा जोखा होता है वो हम डायरी में लिखते हैं, सेम वैसे ही होता है जनरल लिखना। बट इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि हम डायरी में रोज़ की कहानी लिखते हैं, रोज़ क्या करते हैं वो लिखते हैं, लेकिन जनरल में हम होता है कि हम हफ्ते में लिख लेते हैं, या एक महीने में, या छः महीने में, या साल भर में, ऐसे हम उसे उस मतलब जनरल लिखना में हम लिखते हैं। वो डायरी की तरह ही होती है बट थोड़ी सी उससे अलग होती है। तो अब ये भी हो जाएगा हमारे ये जो क्वेश्चन का है, ये भी हो जाएगा, क्योंकि हम उसमें कुछ तो लिखते हैं ना, कितने दिनों पर भी लिखते हैं पर लिखते तो है ना। और पहला ऑप्शन है परियोजना कार्य, ये भी करना है, और आकलन के लिए, और बी ऑप्शन है क्षेत्र भ्रमण, ये भी करना है, और डी विचार मानचित्र, ये भी करना है। तो इसके चारों ऑप्शन ही सही हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का अगर सही ऑप्शन देखा जाए तो ए बी सी और डी हो गई, यानी सेकेंड वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गिर राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? हमसे गिर राष्ट्रीय पार्क के बारे में पूछ रहा है, ये किस राज्य में स्थित है? तो अगर गिर राष्ट्रीय पार्क की बात करूँ मैं, तो ये हमारा गुजरात में स्थित है। जो शेर होते हैं, जानवर लोग होते हैं, उनके संरक्षण के लिए बनाया जाता है ये गिर राष्ट्रीय पार्क। अब मैं बात करूँ आपके मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में अभी तक करेंट में राष्ट्रीय पार्क 11 हैं, जो कि अभी करेंट में है, जो कि अभी करेंट में और सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं वो है कान्हा किसली पार्क, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है और ये हर बार क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। तो मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण यानी लोक प्रसिद्ध पार्क के बारे में, तो वो है कान्हा किसली राष्ट्रीय पार्क उद्यान। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये भी बन जाता है कि जो वन्य जीव संरक्षण होते हैं वो वन्य जीव संरक्षण कब लागू हुआ था, उसे कब पारित किया गया था? तो ये आपका 1974 में पारित किया गया था। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो भी आप समझ गए होंगे। तो गाइज अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, तो ये जो नदी के प्रदूषण यानी जल की जो माप की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? तो डायरेक्ट मैं इसके आंसर की तरफ आऊँ, तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन BOD, यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये जो इसका सही ऑप्शन है वो ये हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, भारत में किस राज्य में अस्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है, यानी भारत में अस्थानांतरित खेती के बारे में पूछ रहा है। तो अगर मैं इसके सीधे आंसर की तरफ आऊँ, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र यानी सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसमें कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कितने राज्य हैं, तो हम इसे 7 करेंगे, क्योंकि इसके अंदर 7 राज्य हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता दी हूँ। आई होप आपको ये काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। आप इसके 7 राज्य के बारे में एक बार देख लीजिएगा। तो गाइस आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है, यानी चिपको आंदोलन के बारे में बात हो रही है।
तो अगर मैं इसके सीधे आंसर की तरफ आऊँ तो आंसर इसका होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में ही चिपको आंदोलन हुआ था। अब ये चिपको आंदोलन क्या था तो थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में। चिपको आंदोलन वो आंदोलन था जिसमें एक पेड़ थी, जो पेड़ को काटने के लिए आंदोलन चलाया गया था। तो आदेश आ गया कि पेड़ को हमें काटना है, तो लोग इसे काटने नहीं देना चाहते थे, इसलिए उस उत्तराखंड के लोग उस पेड़ पे चिपक गए, जिससे पेड़ के बचाव की जा सके, उसे ही हम चिपको आंदोलन कहते हैं। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन और इसका आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइज यहाँ पे हमारे क्वेश्चन और आंसर ख़त्म होते हैं। तो गाइज आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 15 क्वेश्चन करवाई हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जितने क्वेश्चन मैं करवाऊँगी वो सब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करवाऊँगी, ताकि आप सबको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो गाइज़ प्लीज़ वीडियो देखते रहिए, और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी अगले वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर पाऊँ। तो गाइज़ ये वीडियो को आप सब स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिए, ताकि सबको एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके, क्योंकि MPTET का जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्द 5 मार्च को होने वाला है, तो टाइम बहुत कम बचा है हमारे पास। तो गाइज़ मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो, ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप अच्छे तरीके से कर पाएँ। तो गाइज़ अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।